कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक बढ़िया ही होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फिर से मैं बैक टू बैक वीडियोस लेके आया हूँ। इस वीडियो में अकाउंट्स के मैं टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि आप बिफोर योर एग्जाम देख के जरूर जाना है भाई। आपका मैंने वन शॉट रिवीजन डाल दी, सैंपल पेपर चाहिए थे वो डाल दिए यार, थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, जाके यार लिंक बायो में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, सब कुछ जाके देख लो, क्योंकि अकाउंट्स में फोड़ना है और हम आपके साथ हैं भाई, फोड़ के रहेंगे। आगे बात समझ, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बढ़िया से टॉप 20 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट में बी मैन्युपुलेटेड टू कंसील वाइटल इंफॉर्मेशन। मतलब क्या बना इसका, क्या कह गया भाई कि जो अकाउंट्स है ना उसके डाटा को हम मैन्युपुलेट, मतलब होता है भाई होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, यानी छेड़छाड़ सकते हैं अकाउंट्स को कि भाई हुआ तो लॉस बट उसको मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। ये चीज बेसिकली क्या थी, दैट इज द लिमिटेशन। अब इनमें से कौन सी लिमिटेशन है वो देखते हैं। सबसे पहला, अकाउंटिंग लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग, जो करेक्ट आंसर है वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही है, दैट इज लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है होता तो कुछ और है बट हम एडजस्ट ऐसे कर देते हैं अपने अकाउंट्स को, अपने बैलेंस शीट को, दिखता प्रॉफिट है। तो यानी ऑप्शन बी और सी को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, वन शॉट कंप्लीट थियरी बना रखी थी मैंने बच्चों के लिए, आई बटन में मिल जाएगी वो वीडियो, जरूर जाके एक बार देख के आओ, क्योंकि एक घंटे में यार पूरी बुक की रिवीजन कराई है, कोई बड़ी बात है बहुत ज़्यादा। आगे बात समझ, तो जाके यार जरूर देख के आना। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म इज यूज फॉर एक्यूरल अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्स सच एज अ टिम्बर, मिनरल्स एंड ऑयल फ्रॉम द अर्थ। यानी कौन सी टर्म यूज की जाती है। एमोर्टाइजेशन अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है तो अच्छी बात है। जब इनटेंजिबल असेट की वैल्यू में कमी आती है, इनटेंजिबल असेट की वैल्यू में कमी आती है, तब उसे एमोर्टाइजेशन बोला जाता है। ऑब्सोलेंस होता है, मतलब कोई फैशन वगैरह चेंजेस जो हो रहे हैं गुड्स के प्राइस के, 5G 6G स्टेप्स। डिप्लेशन टर्म बेसिकली हम यूज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्स। किसकी बात होती है, जब नेचुरल रिसोर्स, बच्चा डेप्रिसिएशन तो बढ़ के जाता है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा तो गुल हो जाता। आगे बात समझ, तो भाई गुल नहीं होने देंगे हम, है आपके साथ, ऑप्शन सी टिक कर लेंगे। ठीक है चलो, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज द इम्प्लीमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। ध्यान से पढ़ लेना, यहां पर प्रिंसिपल पूछा गया है, उसका मतलब बेसिकली इम्प्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन सॉरी। आगे बात समझ, तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चे सोच रहे होंगे कॉस्ट, भाई कॉस्ट नहीं, प्रूडेंस होगा। क्या होगा, प्रूडेंस। इम्प्लीमेशन की बात हो रही है और वो बात होती है प्रूडेंस के अंदर। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या था है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को अभी से क्या कर लो, कुछ नहीं करना, बट जो लॉसेस हैं उनके लिए हम क्या बना लें, प्रोविजंस क्रिएट कर लें। और प्रोविजन से मेरे को ध्यान में आ गया एक क्वेश्चन, प्रोविजन वर्सेस रिजर्व में एक डिफरेंस आ जाता है, जिसकी एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, जाके देख के आओ। ठीक है चलो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कुड बी जीरो एट द एक्सपायर ऑफ वर्किंग लाइफ। यानी कौन सा मेथड है ऐसा जहां पर एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसे हम SLM बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड शॉर्ट में। इसको याद कर लेना और टिक कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर 2 ईयर इज 80,000। यानी किसी एसेट की वैल्यू 2 साल बाद 80,000 होगी। डेप लगा रहा था मैं 10% से, नाउ स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी कितनी ओरिजिनल। करना क्या है, आप पिक कर लो, देखो 8 लाख तो हो नहीं सकती पहला ऑप्शन, 8 लाख का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि भाई 2 साल बाद 80,000 होगी और 10% से तो लगाना है। 8,000 भी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना तो भाई इतने की तो वैल्यू ही है, 80,000 की तो वैल्यू, यानी 80,000 से ज़्यादा ही होगी, 80,000 भी नहीं होगी। ऑप्शन क्या है, एफ बी। ये विदाउट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके देख लो, 1 लाख का अगर आप डेप निकालोगे दोस्त कितना आ जाएगा, 10,000।
यानी फर्स्ट ईयर में आपने डेप लगाया होगा तो 80,000 90,000 बचा होगा, फिर आप दोबारा लगा दोगे डेप तो कितना आ जाएगा 80,000। कैलकुलेट करोगे तब भी 1,00,000 आएगा, वैसे भी करोगे तो आंसर सेम। सिक्स क्वेश्चन कह रहा, फ्रॉम द फॉलोइंग विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। अब सबसे पहले सोच सही है, देखो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू में असेट होता है, ये तो सही है। अब कह रहा है असेट माइनस कैपिटल, अगर आपको ये फॉर्मूला दे रखा है सबसे पहले आप फॉर्मूला बना के देख लो। कह रहा है असेट माइनस कैपिटल, कैपिटल वहां जाएगी तो असेट माइनस कैपिटल किसके बराबर होगा, लायबिलिटी। ऑप्शन बी भी सही है, असेट में से अगर लायबिलिटी माइनस करें, असेट में से मैं लायबिलिटी माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, तब भी कैपिटल आएगा। दैट मीन्स सारी की सारी क्या है, सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस। आगे बात समझ ध्यान रखना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट याद रखना। तो अगला क्वेश्चन आता है सेवन्थ, क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लायबिलिटी। आपको कैपिटल दे रखा है 5,00,000, कैश इन हैंड दे रखा है 40,000, बिल्डिंग दे रखी है 8,00,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली एक्स्ट्रा पैसा जो कि आपने विड्रॉ कर लिया है, इसे भी हम किसके अंदर काउंट करते हैं, लायबिलिटी के अंदर काउंट करते हैं। आगे बात समझना, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है असेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट की वैल्यू क्या होगी 8,00,000 प्लस में 40,000, 8,40,000। आगे बात समझ, बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल कितना है 5,00,000, कितना है 5,00,000। आगे बात समझ, अब क्या कर दोगे, अब आप जो बैंक ओवरड्राफ्ट है नेगेटिव में रहेगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। चलो तो ये कितना आ जाएगा 4,50,000 और ये 8,40,000, 8,40,000 में से भाई 4,50,000 माइनस करेंगे, आपका 14 में से 5 गया 9, 7 में से 4 गया 3, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा लायबिलिटी का 3,90,000, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, ध्यान रखना माइनस होगा ओवरड्राफ्ट। अगला है गुड्स परचेज फ्रॉम राघव 4,500 बट गुड्स रिकॉर्डेड 5,400 इन द परचेज बुक। अब क्या हुआ, खरीदा कहाँ था, गुड्स परचेज फ्रॉम राघव यानी उससे हमने खरीदा बट उसको मैंने परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। नाउ किस टाइप का एरर होता है, तो इस टाइप के एरर को बेसिकली हम क्या कहते हैं बेटा, इस एरर को हम जानते हैं एरर ऑफ कमीशन के नाम से, ठीक है, जहां पर अमाउंट ये सारी मिस्टेक्स करते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है बैंक रिकॉन्सिलियर स्टेटमेंट यानी शॉर्ट में जिसे हम BRS कहते हैं कौन बनाता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अकाउंट जो होल्डर्स होते हैं बैंक के वो प्रिपेयर करते हैं मेरे क्या BRS को। 10th क्वेश्चन देखते हैं, द रिवेन्यू रिकनाइज प्रिंसिपल डिकेट्स दैट ऑल टाइप ऑफ इनकम शुड बी रिकॉर्डेड और रिकोनाइज्ड वेन, यानी जो आपका रिवेन्यू रिकनाइज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, बेसिकली वो कहता है रिवेन्यू तब आपको रिकॉर्ड करना है जब वो क्या हुआ हो, जब आपने उसको अर्न किया, वेन दे आर अर्न, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दो, डन। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन और रह रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। विच इज द नॉट एडवांटेज ऑफ WDV मेथड, ठीक है, मेथड कर लो, यानी इनमें से कौन सा आपका मेथड का मतलब डिसएडवांटेज टाइप कह लो आप, कौन सा एडवांटेज नहीं। इनकम टैक्स एक्ट एक्सेप्ट दिस मैटर फॉर द टैक्स पर्पस, सही बात है, ठीक है। असेट कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू द नेट स्क्रैप वैल्यू और जीरो, भाई नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। आगे बात समझ, SLM के अंदर जीरो होती है जो अभी हमने देखा था, इसके अंदर कभी भी WDV के अंदर असेट का वैल्यू कभी जीरो नहीं होता, इस चीज को याद रखना। तो 12 क्वेश्चन क्या कहता है, द अकाउंटिंग कंसेप्ट विच सजेस्ट दैट ईच ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अमाउंट, यानी हर एक ट्रांजेक्शन को एज अ वाउचर सपोर्टिंग वाउचर आपको रिकॉर्ड रखना ही रखना है, कौन सा कंसेप्ट कहता है, तो ये कहता है ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। दैट मीन्स कि हर एक चीज का क्या होता है, एक पर्पस होता है, हर चीज को आपको रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा अपने अकाउंट्स के अंदर। 13 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, GST इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सर्विस एंड गुड्स एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़ करके भाई आप GST नहीं लगता, हेल्थ केयर पे लगता है, टबैको पे लगता है, बट जो लिक्वर हम मतलब जो दारू वगैरह होता है उस पर भाई नहीं लगता। आगे बात समझ, ठीक है। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज नॉट क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेंगे, ये पूछता रहता है,
कि विच इज नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, रिलीवेंस. क्या होगा दोस्त? रिलीवेंस. आगे बात अब अंडरस्टैंडेबिलिटी होता है आपका, कंपेरेटिबिलिटी होता है, मटेरियलिटी होता है, तीनों होता है, बट रिलीवेंस नहीं होता. ठीक है, अगला 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन टू और मोर एरर आर कमिटेड इन अ सच वे दैट नेट इफेक्ट ऑफ दीज एरर ऑन डेबिट एंड क्रेडिट आर निल, सच एरर कॉल आर कंपनसेटिंग. कंपनसेटिंग एरर का मतलब ऐसे एरर जो एक दूसरे को कंपनसेट यानी इक्वेट कर देंगे, खत्म कर देंगे. एक गलती दूसरी गलती को क्या कर देगी? खत्म कर देगी. इस टाइप के एरर को हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं. अब भाई लास्ट के जो 5 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना. इफ क्रेडिट परचेज फ्रॉम राघु 20,000 था वर रिकॉर्डेड थ्रू दी सेल्स बुक, इसको रेक्टिफाई करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला सस्पेंस का कोई लॉजिक नहीं होगा, यहाँ पहले बता देता हूँ. आगे बात समझना. क्या हुआ? क्रेडिट परचेज अगर राघु से करा, राघु से तो एंट्री क्या होगी? परचेज टू आर ना, बट उसको आपने गलती से क्या कर दी? आर टू सेल. सेल क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है जो नहीं होना चाहिए था. सेल तो डेबिट होगा, तो ऑप्शन सी तो यहीं से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि भाई सेल क्रेडिट नहीं डेबिट कर देना है, गलती कर दी ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा. आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, बट बेसिक पढ़ना है. ठीक है, 17वां क्वेश्चन. नेट सेल दे रखा है, COGS इसको बोला जाता है शॉर्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 300,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 120,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है. कुछ नहीं करना, 500,000 में से दोनों को प्लस करके क्या कर दो? माइनस कर दो. ठीक है, आपका 80,000 दैट इज द करेक्ट आंसर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन बन जाता है. 3 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे. इफ द ओपनिंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज ऑन 1 अप्रैल इज 50,000 पर जान जाए, फिर एडिशनल कैपिटल लाया वो जनवरी में. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर है ना. नाउ PNL के अंदर हम कितना शो कर देंगे? IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो भाई 50,000 पे पूरे साल का लगाऊंगा मैं 10/100 प्लस, और कितना पैसा लाया? 10,000 लाया, 10%. बट कब लाया? चेक करो भाई, यहाँ पर इसने 1 अप्रैल देन ऑन जनवरी को लाया, 31 मार्च को एंड हो रहा है, यानी 3 मंथ का लगेगा. 3/12 इसका आ जाएगा भाई 5,000, इसका आ जाएगा 250, यानी टोटल मेरा IOC कितना शो करा जाएगा? 5,250. ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है पेपर में. लास्ट के 2 क्वेश्चन है. नेट प्रॉफिट दे रखा है भाई बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 21,000. इफ द मैनेजर एंटाइल 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो हाउ मच ही विल गेट एज अ कमीशन? फॉर्मूला क्या होता है इसका देख लो. जो भी प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100+ रेट. तो करते हैं भाई 21,000 गुणे में 5 अपॉन में 100+5, कितना आ जाएगा? 21,000 मल्टीप्लाई बाय 5/105. 5 से काटोगे, 21 से 21 को काटोगे, ये बेटा 1,000 देते हैं और करेक्ट आंसर. लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और खत्म करते हैं. कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको दे रखा है 20% ऑन सेल. GP निकालना है भाई 20% किसका है? सेल्स का. बट मेरे पास सेल्स की जगह COGS दे रखा है. इसका एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका एक लाइन में आ जाएगा. 20% का मतलब यही है, 20/100 यानी 1/5. जब आपके पास कॉस्ट गिवन होगी आपको क्या करना है? 5 में से कम कर देना और मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट आपका 60,000 आंसर आ जाएगा. आगे बात समझ. अगर यही क्या होता, यही दूसरा केस होता कि GP दे रखा है और 20% ऑन कॉस्ट, बट मेरे पास गिवन क्या है? और सेल गिवन है COGS की जगह, तो आपको क्या कर देना है? प्लस कर दोगे. माइनस जब करोगे जब अपोजिट गिवन होता, ध्यान रखना. तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा. और कुछ कमेंट कर दो भाई, कुछ चाहिए वो भी मैम ले आएंगे भाई. बहुत कुछ कंटेंट अपलोडेड है, इतना इनफ है भाई, आराम से फोड़ के आओगे यार अकाउंट्स के पेपर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.